कैसे आप लोग अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी यूपी टेट की लगभग लगभग पूरी हो चुकी होगी क्योंकि अब कल लगभग कुछ घंटे बचे हैं हमारी परीक्षा को। उसके बाद हम सभी अपने अपने जो पढ़ा हुआ है जो जिस मिशन में लगे हुए थे इस बात का निर्णय हो जाएगा कि मिशन सफल रहेगा या हमारा विजय अभियान जो है वो आगे जारी रहेगा या वही हमारा विजय थम जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी की विजय रथ पुनः आगे चलेगी और आगे बढ़ेगी और आप सब जीत हासिल करेंगे क्योंकि आपने अभी तक की अपने जीवन में सबसे ज्यादा मेहनत करके पढ़ाई की है और अपने जिंदगी का सबसे बेस्ट दिया है। और अगर आपने पूरी ईमानदारी के साथ यह काम किया होगा तो जरूर आप अपने मिशन में कामयाब होंगे क्योंकि यह आपके दिल से भी आवाज निकल रही होगी कि इस बार आप कामयाब जरूर होंगे। जिस प्रकार दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध में एक तरफ धुरी राष्ट्र एक तरफ मित्र राष्ट्र थे, उसी तरह जो ये परीक्षा की घड़ी है यह भी एक महायुद्ध के समान है। लेकिन यह युद्ध न धुरी राष्ट्र से है न आपको मित्र राष्ट्रों के बीच है, यह युद्ध आपका आपके बीच है। अब यह वर्ड तो बड़ा असमंजस जैसा लग रहा होगा, यह कैसा सवाल है कि यह युद्ध हमारे बीच है, क्योंकि दोस्तों मेरे पास जो सबसे ज्यादा कॉल आ रहे हैं जो मैसेज आ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा लोग बता रहे हैं सर मुझे बहुत डर लग रहा है। वास्तव में इतनी बड़ी परीक्षा है, इतना बड़ा ये सेमीफाइनल मैच है, यदि एक रन भी अगर आप दूर रहते हैं तो आपका विजय अभियान कुछ वर्षों के लिए यहीं रुक जाएगा और आगामी वर्षों के लिए पता नहीं हम क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों सबसे पहली बात आप अंदर से डर निकाल दीजिए क्योंकि जो होना होगा वो होगा, क्योंकि इंसान क्या करता है जिंदगी में अपना बेस्ट देता है। और एक मैदान में दो टीमें उतरती हैं, एक जीत होती है और एक को हारना होता है। लेकिन यदि पहले से मान लिया जाए कि मैं हार गया हूं तो क्या जीत मुश्किल है? मैंने अगर हारने के पहले हम हार मान लेते हैं तो हार पक्की होती है। इसलिए इस देश में या भारत में इस समय जितने भी युवा हैं, चाहे वो बेरोजगार है या बेरोजगार की होड़ में है बेरोजगार के लाइन में लगे हुए हैं, वो लगातार पढ़ रहे हैं मेहनत कर रहे हैं अपनी जिंदगी का बेस्ट दे रहे हैं। यह ऐसा दौर है कि जिस समय में मेरिट नहीं बनानी है या क्वालिफाई करना है, 90 नंबर आपको अर्जित करने, इसलिए आप चाहिए कि अपने दिल से निकाल दीजिए आपको केवल क्यों 60% चाहिए, नहीं आपको 100 करना है, 150 में 150 नहीं करने, आपको केवल उतना ही करना है जितने से आप क्वालिफाई हो जाए, उससे बेहतर करने का भी हम आप प्रयास करेंगे। तो फिर डरना किस बात का, क्या करना, क्योंकि जितनी मेरी मेहनत की है यदि वो आएगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, लेकिन अपने ऊपर भरोसा रखिए आपका होगा। क्योंकि यदि अभी से आप डरे रहेंगे तो जब परीक्षा हाल में जाएंगे तो समस्या क्या होगी पता है? सबसे ज्यादा साइकोलॉजी इफेक्ट मतलब जो आपके ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव होता है वो इतना ज्यादा पड़ेगा कि आता हुआ क्वेश्चन आप गलत कर जाएंगे। इसलिए कहीं ना कहीं आप एक दो नंबर के प्रेशर में आने के बाद अपने 10 से 15 नंबर गंवाने थे, आप सेलेक्ट होते हुए भी आप क्वालिफाई होते हुए भी आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी ना मारें, क्योंकि इस समय जो दौर जब परीक्षा हॉल में बैठते हैं पहले से डरे हैं, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, लोग क्या कहेंगे, मम्मी पापा क्या कहेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि आपने पूरी ईमानदारी से मेहनत की है, अब मेहनत किया तो सफल जरूर होंगे। डरना किस बात का, कोई गोली मार देगा नहीं मारेगा ना, क्योंकि अगर आप पहले से डर जाएंगे परीक्षा से पहले, अरे यार होगा कि नहीं होगा, मैंने पढ़ा आएगा कि नहीं आएगा, अरे वो तो होना ही होना है, क्या आप नहीं डरेंगे तो क्या नहीं होना होगा तो हो जाएगा? नहीं, जिसको जो होना है वो होगा। अगर हम आप अभी से यह सोच ले कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, पढ़े कि ना पढ़े, क्या पढ़े, परीक्षा हाल में क्या होगा, तो अगर इतना दबाव लेके अगर आप कल परीक्षा में जाएंगे तो निश्चित है गलतियां होंगी, और जब गलतियां होंगी तो जितनी गलतियां होंगी उतने हम सफलता से उतनी कदम दूर जाके जाएंगे। मतलब अगर हम अपने आप पे प्रेशर लिए सफलता से दूर जा रहे हैं, यदि हम अपने आप में डरे सफलता से दूर जा रहे हैं, तो क्या जरूरत है हमें डरने की, क्यों डरे हम? क्या एक डर से अगर सफलता दूर जा रही है तो ऐसे डर को हमें क्या करना चाहिए, कुर्बान करना चाहिए और अपने दिल पे हाथ रखना चाहिए, कहना चाहिए ऑलवेज में अच्छा ही होगा। और अगर आप खुद से चाहेंगे कुछ बेहतर करना जरूर बेहतर करेंगे और इतिहास रचेंगे, ये आपका आत्मा कहता है। पता है आपने वास्तव में बहुत मेहनत की है, इतना मेहनत किया है कि 90 नंबर बहुत बड़ी रकम नहीं है, मतलब 150 में 90 नंबर लाना आपके लिए कुछ भी नहीं है। एक बार मेरे लिए हो सकती है क्योंकि मैं कल EVS और मैथ पढ़ाता हूँ, मेरे 2 सेकंड कमांड है और बाकी मेरे टेढ़े खीरे, फिर भी अपने पर भरोसा रखता हूँ नहीं मेरा होगा, मैं दिन रात आपके लिए मेहनत करता हूँ, आपके लिए नोट्स बना रहा हूँ, खुद नहीं पढ़ रहा, फिर भी अंदर से आवाज आ रही नहीं दुर्गेश सबका होगा। तो आपके अंदर से भी आवाज आनी चाहिए आपका होगा, आप सफल होंगे, एक सीट आपकी है, दावेदारी आपकी है और आप दावेदारी अपनी मजबूत करेंगे। इसलिए आप सभी अगर आप प्रेशर में रहेंगे कहीं ना कहीं आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी जरूर मारेंगे। अब दोस्तों परीक्षा हाल में क्या क्या करना है, आपको परीक्षा हाल में जाने के बाद सबसे पहले
आप सुबह उठ जाइएगा एकदम फ्रेश माइंड से, जो होना होगा आराम से आप निकलिएगा सेंट्रल हॉल में, प्रयास करिएगा एक घंटे पहले पहुंचने का, और साथ में पर्ची बना कर रखिएगा जैसे कुछ मनोवैज्ञानिकों के नाम, कुछ दिवस जाते जाते आप याद कर लीजिएगा। पर्ची हॉल में पहुंचने के बाद अस्थायी रूप से बैठिएगा। हाँ, साथ में आप डिजिटल घड़ी लेकर जाइएगा, डिजिटल घड़ी। हाँ, समझ में आ रहा है ना? नहीं, डिजिटल घड़ी अलाउड नहीं है। आपको कौन सी क्लॉक चाहिए? एनालॉग क्लॉक चाहिए, और एनालॉग क्लॉक ऐसी होनी चाहिए जिसमें ज्यादा सिस्टम न होने पाए। मतलब देख लीजिए आप, एकदम सिंपल सिंपल होना चाहिए। आपकी जो वॉच होगी, जो घड़ी होगी, वो अपने साथ जरूर रखे जाइएगा। दूसरी बात, आप परीक्षा हॉल में बैठने के बाद एकदम अस्थायी रूप से सबसे पहले जैसे आपको बुकलेट मिलेगा, बुकलेट मिलने के बाद आप एकदम शांत तरीके से पहले बुकलेट को भरिएगा, क्योंकि यदि आप बुकलेट में गलत भरते हैं या व्हाइटनर का प्रयोग करते हैं तो आप लड़ाई लड़ने के पहले आप हार मान जाएंगे, और मैं नहीं चाहता, आप स्वयं नहीं चाहते होंगे ऐसा आपके साथ हो। इसलिए आप लोग जरा अगर में डरिएगा, आराम से उत्तर पुस्तिका पे एकदम बढ़िया, जैसे उत्तर पुस्तिका आपको इसी तरह से मिलेगी, आप देख लीजिए ये उत्तर पुस्तिका आपको इसी तरह से मिलेगी, देख रहे हैं, ये उत्तर पुस्तिका आपको मिलेगी। इस उत्तर पुस्तिका को आपको आराम से बेहतर तरीके से कलर करना होगा। हाँ, एक बात और, आपको इस बार ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना होगा, और यही पेन लीजिएगा, यह पेन आपके लिए ज्यादा बेहतर पड़ेगा। इसका पॉइंट क्या है, ज्यादा है, और इससे समय कम लगेगा गोला करने में। और इस पेन का नाम है रेट्रो, पहले रेनॉल्ड के नाम से था, अब रेट्रो के नाम से आएगा। ₹10 इस पेन की MRP है। यह पेन आप, मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके बेहतर के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि कलर करने में आपका समय कम लगेगा। अदर पेन से अगर आपको 3 सेकंड लगेगा, इससे आपको मात्र 1.5 सेकंड में ही आपका कलर हो जाएगा। और देखिए इसका कवर ये है, इसी कवर में आता है, सचिन तेंदुलकर इसके प्रचार कर रहे हैं, यही है, ₹10 इसकी MRP है, यही पेन है, यह पेन आप ले लीजिएगा। इस पेन से आप कलर करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, और अपने आसपास बैठे जो भी साथी होंगे, जो बहन होंगे, जो शिक्षा मित्र होंगे, आप उनसे बैठने के बाद छोटी मोटी हल्की बातें कर लीजिएगा, और प्रयास करिएगा आप एक दूसरे की मदद करिएगा, अनुशासित रहिएगा, किसी प्रकार का अनुचित साधन या अन्य किसी चीज का आप अपने साथ में रखिएगा, न प्रयोग करिएगा, क्योंकि परीक्षा जो है शांति ढंग से संपन्न होगी, और उसमें हम सभी को अपना अहम योगदान देना है। किंतु यदि अगल बगल कोई साथी है, अगर आपसे हो सके तो उसकी जो मदद हो सके, चाहे मार्कशीट भरने में, चाहे अन्य जगह, आप मदद कर लीजिएगा, क्योंकि व्यक्ति जो सफलता असफलता का अंतर होता है वह सदैव 2 नंबर से ही होता है, 1 या 2 नंबर से। हो सकता है आप किसी के लिए भगवान के रूप में आप किसी की मदद कर सके, हो सकता है अगला आपकी मदद कर दे। इसलिए आप प्रयासरत रहिएगा, प्रयास करिएगा, 1-2 क्वेश्चन अगर हो सके तो मदद लीजिएगा, मदद कर दीजिएगा, क्योंकि उसी तरह शासन का जो रुख है वो पूरी तरह से परीक्षा शांति ढंग से संपन्न कराएगी, और हम भी ये चाहते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि परीक्षा पूरी शांति और पूरी ईमानदारी की तरह से संपन्न हो, ताकि एक हीरा चुनकर इस समाज का हिस्सा बने, उस न्यू में जाए जहां से इस देश का निर्माण होता है। और हमें लगता है आप जैसे हीरो की तलाश इस देश को है, और इस प्रदेश को है, और हमारे प्राथमिक विद्यालय की है। तो आपको फिर से ढेरों शुभकामनाएं हैं, आप कुछ इतिहास रचे, आप बेहतर करें, डर निकाल के फेंक दीजिए, डर से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आप तक जितना आप लोगों ने पढ़ा है वही आपके लिए बेहतर है, आप उससे कुछ बेहतर कर जाएंगे। और मेरे हिसाब से आप खुद से अपनी रणनीति बनाइए, और आज की रात यूपीटेट के नाम रखिएगा, नीतपुर रखिएगा, ताकि आपको परीक्षा के समय दिक्कत ना हो। और हाँ, आप सरदर्द की दवा अपने साथ रखिएगा, पेट दर्द की हल्की दवा एक अपने साथ रखिएगा, हो सकता है खुदा ना खास्ता आपके साथ कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए परीक्षा हाल में जहां आपके लिए समस्या हो जाए। और अगर आपने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया होगा, आपने ये भी देखा होगा कि समय कितना लग रहा है, उसी के आधार पर आप पेपर को सॉल्व करिएगा, ताकि आप तय समय रहते ही सारे क्वेश्चन को टच कर लें और सारे क्वेश्चन को कलर कर लेंगे, प्रश्न को एक भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि यदि आप प्रश्न छोड़ते हैं तो फिर आपके लिए समस्याएं बन जाएंगी। इसलिए क्योंकि निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, इसलिए आप 150 प्रश्न पूरे करिएगा। और हाँ, इस बार एक नया नियम आया है, अब बुकलेट में जिस तरह ये बुकलेट आपने कलर किया, उसके बाद यदि आपने 150 क्वेश्चन पूरे किए, यहाँ पे अंकों में और शब्दों में लिखना है कि 150 क्वेश्चन आपने पूरे अटेंड किए हैं। इसलिए इन सभी सावधानियों के साथ आप बेहतर एग्जाम दीजिएगा, और आपकी जीत पक्की होगी, क्योंकि आपने इस तरह से मेहनत की है कि मुझे खुद भी आश्चर्य लगता है, और आप भी जानते होंगे आप अपने परीक्षा के इस जीवन काल में जितनी उम्मीद,
जितनी बेहतर जितना बेस्ट दिया इस बार उतना आपने कभी नहीं दिया है। और सीधी सी बात है, जो मेहनत करेगा जीत सदैव उसकी होगी। इसलिए आप सभी को पुनः मेरी शुभकामनाएं। मैं सभी अभ्यर्थियों को चाहूंगा वह इस परीक्षा में बेहतर करे और प्राथमिक भर्ती लिखित परीक्षा के लिए आए और मेरे साथ जुड़े, क्योंकि मैं पुनः 21 तारीख से प्राथमिक भर्ती लिखित परीक्षा की बैच उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतर स्पेशल टीम के साथ उतरूंगा। और मेरी गारंटी है कि मुझसे जुड़ा व्यक्ति मैं सफल जरूर कराऊंगा, क्योंकि पिछले मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मेरे यहाँ लगभग 87% लोग शिक्षक हुए थे। प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो परीक्षा आयोजित हुई थी 27 मई को, उसका परिणाम मेरे यहाँ बेहतर आया था। और इस बार यूपी टेट का भी परिणाम मैं आपको आश्चर्यचकित कर दूंगा, मेरी कोचिंग संस्थान का सबसे बेहतर आएगा। और उम्मीद करता हूँ आपका भी परिणाम बेहतर आएगा। और मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगा आप सब सफल हो और अपने परिवार और अपना नाम रोशन करें, ताकि अगली लड़ाई आप पूरे दुगने जज्बे और जोश के साथ लड़े। ऐसे भी आप में जोश की कहां कमी है, आप दिन रात मेहनत किए हैं और इतिहास रचने की आप तैयार हैं। अब सोच रहे कब वह घड़ी आए कि 10 कब बजे, कब 18 तारीख का 10 बजे और हाथ के हाथ में बुकलेट आए और आप देखे कि आपने क्या किया था, कितना पढ़ा था, और आपका जो मनोबल है वह और दोगुना हो जाएगा। अरे ये तो क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, यह पेपर तो हलवा है, किंतु पेपर में हो सकता है कुछ परिवर्तन हो इस बार। इसलिए पुनः आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। भगवान करें आप अपने मंजिल में कामयाब हो, जीत आपकी होगी। बस विश्वास अपने आप पे रखिएगा और विश्वास ही सबसे बड़ी जीत होती है। अगर विश्वास हट गई तो जीत आपसे कोसों दूर जाएगी। इसलिए डरना नहीं है, जो होना होगा होगा। आपने अभी तक जो पढ़ा है वह बेहतर पढ़ा है, लेकिन अभी भी वक्त है। आप किताबों जुड़े रहिएगा, सभी विषयों की शिक्षण विधि को देखिए और एक बार पुनः मेरे साथ इस परीक्षा में बैठिएगा। मैं भी आपके साथ बैठूंगा और दुगने जोश के साथ, और हम प्रयास करेंगे 90+ करने का, और आप भी 90+ करने का प्रयास करेंगे और जीत आपकी होगी, जीत आपके जड़ चूमेगी। इसलिए खुशी रहिए, मुस्कुराते रहिए और परीक्षा भवन में जाइए और समय से पहुंचिएगा। और कुछ करना नहीं है आपको, जो करना है यहाँ से होगा। बस इसको अपने कंट्रोल में रखिएगा, प्रेशर मत लगेगा। प्रेशर में लाएंगे तो गलतियां करेंगे, इसलिए अपने आप को जरा सा भी प्रेशर में मत रखिएगा, क्योंकि प्रेशर में आने के बाद आपने देखा क्रिकेट मैच जीती हुई मैच इंडिया हार जाती है, कई देश हार जाते हैं जीते हुए मैच। इसलिए आप अपने ऊपर प्रेशर को हावी मत होने दीजिएगा, उसके ऊपर आप हावी हो जाइएगा। जीत आपकी होगी और जीतेंगे, लड़ेंगे और अगले युद्ध के लिए हम तैयार रहेंगे। जब यहाँ जीतेंगे अगले युद्ध में हमें कौन रोक सकता है, हमें 40 से 50 दिन का मोहलत मिलेगा, फिर हम इतिहास रचेंगे। जय हिंद, जय भारत। ढेरों शुभकामनाएं के साथ आप सभी को यूपी टेट में बेहतर अंक अर्जित करने के लिए ई-लर्निंग में दुर्गेश की तरफ से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। पुनः आप सभी को परीक्षा के लिए मैं बता दूं, डरिएगा मत, जीत आपकी होगी। ऑल द बेस्ट।